हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में अध्ययन कर रहे थे पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अपना टॉपिक था पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व, जिसके कुछ टॉपिकों का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे साइब्रिड क्या है। साइब्रिड को समझने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे कि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल पादप कोशिका है जिसमें सबसे बाहर की ओर ये है कोशिका भित्ति शेल वॉल, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव है और ये संरचना इसके अंदर क्या है, केंद्रक। तो पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो शेष बचा भाग ये है जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है और ये संरचना बची है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, और ये इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ये संरचना है प्रोटोप्लास्ट। ध्यान रहे प्रोटोप्लास्ट क्या है, बात यहां आती है पादप कोशिका के भित्तिरहित भाग को, क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। इसमें कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट है, तो इस भाग को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। यदि इसी संरचना से केंद्रक को हटा दिया जाता है, इसमें से केंद्रक को हटा दिया गया, तो इस संरचना को कहा जाता है साइटोप्लास्ट, ये साइटोप्लास्ट है और यह है प्रोटोप्लास्ट। जब एक प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरी प्रजाति के साइटोप्लास्ट, ध्यान रहे एक प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरी प्रजाति के साइटोप्लास्ट के बीच में क्या कराया जाता है, संलयन कराया जाता है, तो उसे कहा जाता है साइब्रिड। यह है, इसे बोलेंगे साइब्रिड। ये संकर है, इस संकर को क्या कहा जाता है, साइब्रिड। तो साइब्रिड क्या है, एक प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरी प्रजाति के साइटोप्लास्ट के बीच संलयन से बने संकर को क्या कहा जाता है, साइब्रिड। क्लियर, शायद आप समझ चुके होंगे कि साइब्रिड क्या है, एक प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरी प्रजाति के साइटोप्लास्ट, इनके बीच में संलयन से बनी संरचना या बने संकर को क्या कहा जाता है, साइब्रिड। इस साइब्रिड के अंदर ध्यान रहे एक प्रजाति का केंद्रक होता है, जबकि दोनों जनकों का इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव उपस्थित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर, शायद समझ चुके होंगे आप कि साइब्रिड क्या है, कि एक प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट तथा दूसरी प्रजाति के साइटोप्लास्ट के बीच संलयन से बने संकर को क्या कहा जाता है, साइब्रिड। इस साइब्रिड का उपयोग करके एक प्रकार से तंबाकू है, पत्ता गोभी है, धान है, आलू है, इसका उपयोग करके साइब्रिड बनाए गए हैं,
जीन स्थानांतरण किया गया है। तंबाकू के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर, आलू के अंदर, धान के अंदर साइब्रिड का उपयोग किया गया है। तो ये साइब्रिड है कि प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के बीच संलयन से साइब्रिड बनते हैं। अब आप समझ चुके हैं प्रोटोप्लास्ट क्या है, पादप कोशिका के भित्तिक तंबाकू को क्या कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, और केंद्रक जो केंद्रक रहित प्रोटोप्लास्ट है उसे क्या कहा जाता है साइटोप्लास्ट, और इन दोनों के बीच संलयन से क्या बनेगा साइब्रिड। इसी में आगे उत्तक संवर्धन में एक दूसरा टॉपिक है जर्म प्लाज्म संग्रह। जिसे बोलेंगे जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म क्या है, इस जर्म प्लाज्म का संरक्षण भी किया जाता है। तो जर्म प्लाज्म संरक्षण जर्म प्लाज्म क्या है, किसी फसल या उससे संबंधित जातियों में पाए जाने वाले सभी जीनों को उस फसल का क्या कहा जाता है जर्म प्लाज्म। ध्यान रहे जर्म प्लाज्म क्या है, जर्म प्लाज्म क्या है या जनन द्रव्य क्या है, किसी फसल या उससे संबंधित जातियों में पाए जाने वाले सभी जीनों को उस फसल का क्या कहा जाता है जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य कहा जाता है। जर्म प्लाज्म वह सामग्री है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। अतः एक सफल पादप प्रजनन के लिए एक उपयोगी जर्म प्लाज्म का होना आवश्यक है। जर्म प्लाज्म संरक्षण क्या है कि जर्म प्लाज्म को उस स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की संभावना कम हो तथा उसकी प्रविष्टियों को खेतों में सरलता पूर्वक उगाने के लिए उपयोग में किया जा सके, उसे कहा जाता है जर्म प्लाज्म संरक्षण। तो जर्म प्लाज्म संरक्षण का भी कृषि में महत्व है, और इससे पहले आपको साइब्रिड बताया गया था, इसका भी कृषि में महत्व है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।